विधानसभा चुनाव है तो इसके लिए क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभी बूथ में सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी गई हैं। उनके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगा दिए गए हैं। 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट हमने लगाए हैं और 2 रिजर्व में 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं। उनके साथ पुलिस फोर्स रहेगी और वो लॉ एंड ऑर्डर को कल के लिए देखेंगे। इसके अलावा जो पार्टीज हमारे 220 बूथ हैं उसके लिए पार्टीज अभी डिस्पैच करनी शुरू कर देंगे। हमने इसके लिए प्रॉपर प्रबंध हैं। 11 टेबल हमने लगाई हैं। पर टेबल पे 20 पार्टीज को हम डिस्पैच करके पर्याप्त संख्या पे हमारे पास बसें हैं वो सब, और उसके साथ पुलिस फोर्स भी है। वो पुलिस फोर्स के साथ अपने अपने बूथ पे आज पहुंच जाएंगी और कल सुबह मॉक पोल होगा। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि जनता को ये जो पहुंचे वहाँ पे मॉक पोल देखें। तो मॉक पोल हमारा 90 मिनट पहले शुरू हो जाता है। 7 बजे से 6 बजे तक का रेगुलर पोल का टाइम है और उससे 90 मिनट पहले मॉक पोल स्टार्ट हो जाता है। मॉक पोल हम मशीन की टेस्टिंग के लिए करते हैं। तो सभी हमारे कैंडिडेट्स या इलेक्शन एजेंट उनके उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें अपने साथ देखना चाहिए। और इसके अलावा हमारा स्ट्रॉन्ग रूम काउंटिंग हॉल की सबकी प्रिपरेशन कम्प्लीट है। टोटल हमारे 2,09,992 वोटर्स हैं महेंद्रगढ़ 69 कंस्टिट्यूएंसी के। इसके अलावा और क्या पूछा आपने? तो टोटल बूथ हमारे 220 हैं और इसमें जो संवेदनशील हमारे पहले कैटेगरी होती थी वल्नरेबल, अब वल्नरेबल नहीं रहे हैं, अब क्रिटिकल बूथ है। क्रिटिकल बूथ 24 है हमारे। सर आपकी बार प्रशासन की तरफ से कोई विशेष रूपरेखा बनाई गई हो मतदाताओं के लिए? मतदाताओं को हम पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। देखो आपको पता है पहले हमने पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने होम वोटिंग का प्रोविजन रखा है। होम वोटिंग हमने इसलिए कराई जो सीनियर सिटीजन है पीडब्ल्यूडी हैं उनको सहूलियत मिल सके। देखो सहूलियत तो हम पोलिंग स्टेशन पे भी देंगे। हम जो रैंप है रेलिंग के साथ हर पोलिंग स्टेशन पे हमारा प्रयास है कि व्हील चेयर भी रहे, वॉलंटियर्स भी रहे, जो उनको प्रेफरेंस भी रहे। जो पीडब्ल्यूडी होते हैं हमारे डिसेबिलिटीज वाले हैं उनको सबसे पहले वोट कराया जाए ताकि उनको लाइन में वेट ना करना पड़े। हर बूथ पे जैसे इलेक्शन कमीशन की हिदायत है हम बेंच भी रखवा रहे हैं ताकि किसी को लाइन में ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े। उसके अलावा उनके लिए सभी फैसिलिटीज पीने का पानी और ये टॉयलेट्स वगैरह हम पूरे इंश्योर करते हैं कि ना वोटर्स को कोई दिक्कत हो और ना पोलिंग पार्टीज को कोई दिक्कत हो और पूरा मतदान स्मूथ तरीके से निकल जाए। ऐसा है हमने 3 बूथ ऐसे बनाए हैं। एक है पीडब्ल्यूडी बूथ में मतलब जो डिसेबिलिटीज वाला है, एक है यूथ बूथ उसमें यंग, और तीसरा है पिंक बूथ जो सिर्फ वुमेन होली है। होम वोटिंग हमारे 300 एप्लीकेशन आई थी उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो फॉर्म ये जो फॉर्म है नोटिफिकेशन के 5 दिन के अंदर हमें मिल जाना चाहिए, तो वो हमें 300 फॉर्म रिसीव हुए थे। 300 के 300 की हमने के लिए घर से वोटिंग कराई, पूरी पोलिंग पार्टीज गई उनके वोटिंग कराने के लिए। तो हमने लगभग 20 पार्टीज बनाई थी इसके लिए और हमारे 291 वोट पड़े हैं। उसमें से 3 गए तो डेड थे और 6 का वो अवेलेबल नहीं थे, उनके लिए हमने उनके जो कंसर्न घर वाले थे उनसे लिखवा लिया था। देखो हमारी नॉलेज में हमने जो बूथ संवेदनशील घोषित किए थे क्रिटिकल बेसिकली वो तो 24 हैं, और जैसे जैसे पार्टीज की तरफ से या कैंडिडेट्स की तरफ से या किसी उनकी तरफ से कहीं से भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है प्रेस के माध्यम से भी कि भैया वरी लिस्ट देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज देते हैं, वरी लिस्ट क्या होता है जहां उनको आशंका ऐसा होने की, ऐसे हमारे पास 6 लेटर आए हैं उसमें भी हम तुरंत संज्ञान लेके एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वहां लगाएंगे। और जैसे जैसे कल तक भी आएंगे तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है और सीआरपीएफ के जवान भी हैं, जहां जैसी आवश्यकता होगी आवश्यकता के अनुसार हम वहां पे स्टेशन कर देंगे उनको। अति संवेदनशील जो हमने घोषित किए हैं उसमें हमारा क्या रहता है, एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाया जाता है उसमें, साथ सीएपीएफ के जवान होते हैं। सीआरपीएफ को सीएपीएफ कहते हैं हम, सीएपीएफ सेंट्रल हाउंड पुलिस फोर्सेस वो भी रहती है और वेबकास्टिंग भी रहती है। अब तो वेबकास्टिंग हमने 100% पे कर दी लेकिन उन पे पहले अनिवार्य रहती है, हमने सब पे कर रखी है। तो ये 3 क्राइटेरिया है उस पे हम पूरा संवेदनशील का ध्यान रखेंगे। वोटिंग के दौरान कई बार ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो जाती है तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मशीन आती है? देखो हमारे पास रिजर्व मशीनें रहती हैं, हमारे पास रिजर्व पार्टीज रहती हैं,
सेक्टर ऑफिसर जो हमारे रहते हैं उनकी हम गाड़ियों में रिजर्व मशीन रखवा के चलते हैं, ताकि जैसे ही कहीं से भी इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि वो ऑन द रन रहेंगे सेक्टर ऑफिसर्स, जैसे किसी बूथ से ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मशीन बदलवा देते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी बैटरी खराब हुई है या उसका एरर डिस्प्ले में एरर आया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मशीन को रिप्लेस कराने तो मशीन को रिप्लेस करा देते हैं, और अगर बैटरी रिप्लेस करनी है तो बैटरी रिप्लेस करा देते हैं। हाँ, टोल फ्री नंबर है हमारा, कंट्रोल रूम है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी है, तो किसी भी टाइम, और हमारा मेरा यहाँ कंट्रोल रूम ये भी रहेगा, कोई भी है, हम यहाँ पे वेबकास्टिंग के थ्रू भी देखते रहेंगे, सभी बूथ हमारे सामने होंगे, जहां भी हमें यहाँ पे नजर आता है हम तुरंत अपनी टीम बना रखी है, तुरंत भागेगी टीम और वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मदद करेंगे अगर उसको मदद की आवश्यकता है। काउंटिंग के लिए हमारा नारनौल पीआर सेंटर में बनाया गया, वहीं पे हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, 8 तारीख को काउंटिंग है, तो उसके लिए सभी सुविधाएं और सभी जो भी इलेक्शन कमीशन की हिदायत अनुसार फैसिलिटीज चाहिए वो हमने कर दिए। सीसीटीवी कैमरा है, 24 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं स्ट्रॉन्ग रूम के लिए, ईवीएम्स के लिए, काउंटिंग के लिए हमने टेबल लगाई है, 14 टेबल लगाई है, 15 टेबल ईवीएम की काउंटिंग लगाई है, पोस्टल बैलेट के जो ईटीबीवीएस आएंगे उसके लिए 15 टेबल अलग है, और 15 टेबल स्कैनिंग के लिए और 10 टेबल और है काउंटिंग के लिए। सामग्री वितरित के लिए हमारे 11 काउंटर हैं, और सामग्री को इकट्ठा करने के लिए वहां पे नारनौल में हमारे 10 काउंटर हैं। इसके अलावा 17C वोटर टर्नआउट के लिए हमने अलग वो किया है, ताकि इस बार कोई मिसमैच ना हो वोटर टर्नआउट। हाँ हाँ, सब पे वेब का नहीं, खाली सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वेब कास्टिंग है, हम लाइव देख सकते हैं उसे, लेकिन लाइव वो सिर्फ हमारी इलेक्शन मशीनरी के लिए, उसमें कोई दूसरा नहीं, पब्लिक के लिए हर बूथ पे लाइव चलेगा, और हम मेरा कंट्रोल रूम यहाँ है, मैं यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, अगर मुझे लगता है कोई शिकायत आती है तो उस बूथ में देख के मैं अपनी पार्टी मेरी तैयार है वो वहां पहुंच जाएगी। देखो वेबकास्टिंग पहले भी रही है, वेबकास्टिंग पहले लिमिटेड बूथ पे होती थी, इलेक्शन कमीशन के हिदायत अनुसार इस बार हमने 100% बूथ कवर किए वेबकास्टिंग के लिए। मॉक पोल कितने बजे होता है? मॉक पोल 90 मिनट पहले होता है, अगर 7 बजे से 6 बजे तक जैसे काउंटिंग का टाइम है, सुबह 7 बजे से 90 मिनट पहले हमें मॉक पोल कराना होता है, मतलब 5:30 बजे हो गया ना, तो 5:30 बजे हमारा मॉक पोल हो जाएगा, और मॉक पोल की पर्चियां वो निकाल के उसमें बंद कर देते हैं और अपना सर्टिफिकेट दे देते हैं। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाताओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि ये एक पर्व है, इतना इम्पोर्टेंट त्योहार है डेमोक्रेसी के लिए, हर मतदाता घर से बाहर निकले, चाहे उसको एक जोश होना चाहिए कि मैं एक त्योहार में जा रहा हूं, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, हम और त्योहार मनाते हैं, दिवाली भी नजदीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और प्राउड फील करें, अपने आप को स्वाभिमानी फील करें कि मैंने वोट दिया है। असेंबली की जो वोटिंग परसेंटेज है पिछली बार से डबल हो बढ़े, जहां कम थी वहां डबल हो और जहां गुंजाइश है वहां ज्यादा हो।